खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। आज सुबह बड़ेही अनुमंडल क्षेत्र के पंचमाधव NH2 के पास चेतक बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें लगभग 24 से 30 यात्री घायल हो गए। यात्रियों के अनुसार वे लोग कोलकाता से बंगाल टाइगर नामक बस से धनबाद तक आए। बंगाल टाइगर बस जो कोलकाता से आ रही थी, धनबाद में उसकी तकनीकी खराबी हो जाने के कारण सभी यात्रियों को चेतक बस में शिफ्ट कर दिया गया। आप लोग हावड़ा से, तो कितना बजे वहाँ से चले थे? शाम को 5 बजे। अच्छा, तो गाड़ी क्या, मतलब क्या हो गया था, कैसे एक्सचेंज हुआ है? धनबाद के आसपास में एक गाड़ी ख़राब हुई है। अच्छा। बंगाल टाइगर के ही एक्सचेंज किया गया। एक्सचेंज करने के बाद सुबह हम लोग वहाँ से लेके आए, और आने के बाद एक बाइक जा रहा था ये रॉन्ग साइड से। अच्छा। वो उसका लुकिंग ग्लास से टच हो गया, टच होने के बाद वो ड्राइवर थोड़ा घबरा गया कि उसको सेफ करना, सेफ करने में अनबैलेंस हो गया। फिर भी बहुत संभाला ड्राइवर, इसके कारण इतना धीरे और इतना कम किसी को चोट लगा। अच्छा, किसी को मतलब ज़्यादा चोट लगने का नहीं है ना? और ये जो है सो बस में कितने लोग सवार थे? पूरा फुल सीट। फुल सीट। तो बस कौन सा बस था? बस आपका बंगाल तक ना चेतक बस था। हम लोग तो कोलकाता से आ रहे थे। कोलकाता से कौन से बस से आ रहे थे? कोलकाता से चेतक बस से आ रहे थे। अच्छा। वो रात में वो 11:00 पे, मतलब हम लोग 10 बजे लंच किए, डिनर किए, उसके बाद में 11 बजे वो डिनर करने के बाद बस थोड़ा दूर आगे निकला, वैसे ही वो बस ख़राब हो गया। हम लोग पूरा रात वही बस में रहे। आज सुबह फर्स्ट मॉर्निंग सुबह 7 बजे वो आया, एक तो और बस लेके चेतक वाला ही एक तो और बस मंगाया। उसके बाद हम लोग उस बस में बैठे, बैठने के बाद वो ड्राइवर है वो इतना रफ गाड़ी को चला रहे, बारिश का भी मौसम है। अच्छा। इतना रफ चला रहे, उसको लग रहा है कि कहीं उसको मीटिंग में जाना है। इतना रफ वो चला रहे, उसके यही चक्कर करते करते बाइक वाला को कैसे क्या बचाए या नहीं बचाए वो तो हम लोग देखा नहीं। हम लोग तो स्लीपर में सोया था, वैसे ही ले जाके डायरेक्ट। लेकिन बस में ज़्यादा किसी को चोट फोट कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस सीधा जाके एकदम ऐसे गिर गया। एक बार गिरा, अगर दूसरा बार गिरता तो कुछ होने का चांस था, लेकिन एक ही बार गिरा, इसलिए ज़्यादा किसी को कुछ नहीं हुआ, उनका चोट लगा। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग तो जा रहे थे सासाराम। सासाराम पीर। अच्छा अच्छा, सासाराम जा रहे थे। हाँ, कोलकाता से सासाराम। हाँ, धनबाद से आने के क्रम में पंचमाधव बढ़ई में एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यात्रियों ने कहा कि बस काफी स्पीड चला रही थी। यात्रियों में से सुरेश मुसाहार, अनिल पांडे, सुनील पांडे कुमार, लाल बाबू रॉय समेत अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी यात्री कोलकाता से बिहार जा रहे थे। लोग आ रहे थे कोलकाता से। कहाँ जाना था आप लोग को? बक्सर। कहाँ? बक्सर। तो कोलकाता से वही बस से आ रहे थे जो बस एक्सीडेंट हुआ? बदली कर दिया। अच्छा, टूट गया ना, अब दूसरे होटल पर लगा दिया दूसरा। फिर कोलकाता। नाम है आपका? सुरेश मुसा। अच्छा, आप भी बिहार जा रहे थे? हाँ, आ रहे थे। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो आपको पता है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ? सर, एक्सीडेंट हुआ, आगे वाले आदमी बोल रहा है ना, ये एक मोटरसाइकिल बचाने में गाड़ी बहने तरफ गिर गई। अच्छा, मोटरसाइकिल को बचाने में यही गाड़ी जो आगे बैठा है ना बगल में, वही बात बोला। हम लोग तो पीछे थे, स्लीपर बैठे। अच्छा, गाड़ी काफी रफ्तार में थी। हाँ सर, ठीक। बड़ा ही से सोए बख्तर की रिपोर्ट।